हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, हलील लाइव ब्रॉडकास्ट में अपीयर तो हुआ, लेकिन फ्रेंड्स हलील काफ़ी ज़्यादा सैड, लोनली, और इसके अलावा फ्रेंड्स लग रहा था कि सभी लोगों ने उसे काफ़ी ज़्यादा इग्नोर किया। एक तो फ्रेंड जो हलील है, उसको सीट उन्होंने लास्ट रो की दी गई थी, और उससे पहले जो महसाने और जेंक है उनको बिठाया गया था। तो फ्रेंड्स हलील जो है अकेला आया था वहाँ पर, और बाकी सभी अपने पार्टनर्स के साथ आए थे जो कि ड्रामास में हैं, जो भी काफ़ी ज़्यादा जो है अजीब सी बात है। लेकिन फ्रेंड्स हलील का जो पूरा फोकस था वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो डोनेशन इकट्ठे करने के लिए और विक्टम्स की हेल्प करने के लिए था। तो फ्रेंड्स होप करते हैं कि हलील जो है हमेशा कामयाब हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सके, क्योंकि फ्रेंड्स सिर्फ हलील नहीं बल्कि सभी एक्टर्स मिलकर बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं विक्टम्स की, और बहुत ज़्यादा डोनेशन खुद भी दे रहे हैं पर्सनली। लेकिन फ्रेंड जो हलील है उसको काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में इग्नोर किया गया आज, जिसकी वजह से फ्रेंड्स हलील काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुआ। लेकिन फ्रेंड्स होप करते हैं जो हलील है उसको जो है साथ दोबारा से ये इनजस्टिस नहीं होगा, क्योंकि फ्रेंड्स हलील बहुत अच्छे एक्टर है, और जो है उसके साथ जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों ने आज फील किया है कि जो हलील है उसको जैसे कि लास्ट में जगह दी गई थी, और उससे पहले फ्रेंड्स जो है असरत की जो उनकी टीम है उसको जो है प्रेफर किया गया, जो कि काफ़ी ज़्यादा सैड है, क्योंकि फ्रेंड्स हलील को भी नेक्स्ट पे ही जगह मिलनी चाहिए थी, उसकी स्लॉट चेंज करनी चाहिए थी। तो फ्रेंड्स होप करते हैं कि जो कुछ भी प्रोडक्शन टीम कर रही है वो हलील के लिए बेस्ट होगा, और जो हलील है अब देखें क्या डिसाइड करता है। लेकिन इस सभी तरीके में का जो मेन पर्पस है सभी लोगों का, वो सिर्फ और सिर्फ विक्टम्स को दोबारा से अपने पाँव पर खड़ा करना है, और होप करते हैं कि वो इस पर्पस में जल्द से जल्द कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स इस टाइम सभी लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एक दूसरे की। तो देखिए फ्रेंड्स क्या बनता है, और कब तक सब कुछ ठीक होता है, और कब तक सारी दबाव सबके लाइफ दोबारा से नॉर्मल होगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लग रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू, टेक केयर।